कच्छ में जो तीव्रता है भूकंप की वो कम है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त लहरें उफान पर है, क्योंकि हम देवभूमि द्वारका में मौजूद है और महातबाही से पहले ये ट्रेलर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई जगह पर द्वारका में पेड़ भी गिरे हैं। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप ये समझिए कि यहाँ पर लहरों ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल ये गोमती घाट है, यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते थे लेकिन अभी ये वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से लहरों की रफ्तार काफी ज्यादा है, ऊंची ऊंची लहरें इस वक्त हैं और यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को सुरक्षित भेजा गया है, कैंप पर भेजा गया है, तटीय इलाके जो हैं। ऐसे में कल जब गुजरात के तट से टकराएगा तो यहाँ पर तस्वीर बदल सकती है, लेकिन यहाँ पर जीरो कैजुअल्टी हो, यहाँ पे हालात भयावह ना हो, इसके लिए टीमें पूरी तरीके से तैनात की गई है। क्योंकि आगे जिस तरीके से लहरें आ रही है यहाँ पर एक घाट तक पहुंच रही है। ये आप पीछे देखेंगे, ये जो मंदिर है ये इस वक्त बंद है और जो द्वारकाधीश मंदिर है वो कल बंद रहेगा क्योंकि इस वक्त श्रद्धालु यहाँ पर फंसे हुए हैं, ट्रेन कैंसिल की गई है। लेकिन जिस तरीके से हवा की रफ्तार है, हवा की रफ्तार अब काफी ज्यादा हो चुकी है। कल जो है हवाएं वो 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ेंगी। सबसे बड़ी अपडेट यह है कि तूफान बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ा है, यानी कि जिस गति से तूफान आगे बढ़ रहा था उसी गति से वही गति अभी जारी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। और अगर हम यहाँ से द्वारका से दूरी की बात करें तो 250 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है जहाँ पर तूफान है। और आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मेरे सहयोगी विकास आपको वो तस्वीरें दिखाएं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर लहरों ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ये समंदर में तांडव इस वक्त चल रहा है, ये लहरें तांडव दिखा रही हैं और किस तरीके से यहाँ पर तूफान ने दस्तक दे दी है। बेपरजॉय ने, ये हम कह सकते हैं ये दस्तक ही है तूफान की, क्योंकि बेपरजॉय जो कि इसको बांग्लादेश ने इस तूफान को नाम दिया है और इसका मतलब ही आपदा होता है। ऐसे में यहाँ पर स्थिति काफी ज्यादा भयावह है। मेरे सहयोगी जावेद भी हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, इस वक्त क्या तस्वीर कच्छ में है, क्योंकि भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं और यहाँ पर तो हवाएं काफी तेज चल रही है, अभी द्वारका में हालात संभल नहीं रहे हैं। बारिश अचानक यहाँ पर आ गई है, हम इस वक्त मांडवी बीच के आसपास यहाँ पर मौजूद हैं। अचानक से यहाँ पर काले बादल यहाँ छाए हुए हैं और बहुत तेज यहाँ बारिश फिलहाल हो रही है, यहाँ खड़े हो पाना मुश्किल है। लगातार हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ मौसम बिल्कुल खुला हुआ था, हवा ज़रूर चल रही थी लेकिन यहाँ कोई बारिश नहीं थी, लेकिन अब बारिश यहाँ बहुत तेज़ आ गई। और ज़रा एक बार लहर दिखाने की कोशिश करते हैं, आप ज़रा देखिए, तस्वीर देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बन गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर बारिश यहाँ पर है और ये सुबह से ही यहाँ स्थिति ऐसी बनी हुई है। और देखिए हवा अब स्पीड जो है वो बढ़ा रही है, क्योंकि जो कल जब पीक होगा, जब हिट करेगा तो यहाँ स्थिति आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति होने वाली है। तो लगातार यहाँ बारिश हो रही है मांडवी बीच के आसपास, जो निचले इलाके हैं उनको खाली कराया गया है, NDRF लगातार इलाकों में घूम रही है, जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। फिलहाल स्थिति बहुत, मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ आसपास पूरी तरह से जो काले बादल हैं वो छाए हुए हैं और बारिश बहुत तेज है। तो मेरे सहयोगी जावेद भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दरअसल कच्छ वो जिला जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है, इसके अलावा देवभूमि द्वारका जहां पर मैं मौजूद हूं और यहां पर हवा की रफ्तार बढ़ चुकी है, क्योंकि सुबह से अभी तक हम देखें कि हवा की रफ्तार में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और ऐसे में जो लहरों का रौद्र रूप है वो भी जारी है। ये तस्वीर आप देखिए ग्राउंड जीरो से, मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ये जो गोमती घाट है यहाँ पर किस तरीके से लहरें यहाँ पर सब कुछ चीरते हुए, यानी कि सब कुछ लेने पर आतुर नजर आ रही है। ये पानी यहाँ तक आ रहा है, हम भी बेहद सावधानी से आपको ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें इतिहास में अभी तक जितने भी बड़े तूफान आए हैं, जिसमें कांडला तूफान का जिक्र करना होगा, 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, लेकिन अभी हम देखें क्योंकि जो सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें आ रही है, जो तकनीक है वो आधुनिक है। ऐसे में यहाँ पर चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है, लेकिन यहाँ पर खड़े होना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि आप देखेंगे जहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर होते थे हर समय, यहाँ पर ये जो सीढ़ियां हैं वहां तक जाते थे, लेकिन आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अब यहाँ पर ये लहरें हैं, रंग बदल चुका है, डेंजर यहाँ पर लिखा हुआ है, मंदिर यहाँ पे जो है ये बंद पड़ा हुआ है, राम घाट है ये इस वक्त बंद पड़ा हुआ है और जगह जगह पर NDRF के जवान, SDRF के जवान मौके पर मौजूद है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके, क्योंकि स्थिति बद से बदतर ना हो, इस तूफान में जीरो कैजुअल्टी हो, लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो। अभी लोग अपने घरों में कैद है, क्योंकि कहा यह जाता है कि द्वारकाधीश मंदिर लोगों की रक्षा कर
करता है। यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर में अभी तक इतिहास में जितनी भी आपदाएं आई हैं, यहाँ पर द्वारका में उसका नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कल मंदिर परिसर भी बंद रहेगा। ये बड़ा अपडेट है, द्वारकाधीश मंदिर कल बंद रहेगा क्योंकि एहतियातन यहाँ पे जो है एडवाइजरी जारी की गई है और एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए मंदिर यहाँ पर बंद किया गया है। आप देख सकते हैं क्योंकि हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आगे जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि ये विनाश ला सकती है ये लहरें, ये ट्रेलर है जो कल महातूफान आने वाला है। कल दोपहर 3 बजे ये तूफान दस्तक देगा, लेकिन उससे पहले ही तस्वीर यहाँ पर भयावह है। और शाम होते होते कल भी हमने देखा था कि जब शाम का वक्त होता है तो फिर लहरें ज्यादा उफान पर हो जाती है। दरअसल जो समुद्र की सतह है जिसमें जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तापमान में बढ़ावट जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सतह में तापमान बढ़ रहा है उस वजह से चक्रवात आते हैं। हाल के दिनों में अगर हम पिछले 5 सालों में देखें तो कई सारे चक्रवात आए हैं जिसमें गुजरात ने अभी तक 3 चक्रवात पिछले 5 सालों में झेले हैं और ये सब चौथा अहम चक्रवात जिसको लेकर के एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो एक बार फिर से मेरे सहयोगी विकास आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आप देखिए कि ये डेंजर का बड़ा बोर्ड जो कि हर जगह पर आपको नजर आ जाएगा। इसके लेकर के लोकल पुलिस की यहाँ पर मुस्तैदी है, कई सारी टीमें हैं क्योंकि जब भी बड़ा तूफान आता है हम देखते हैं कि जो हवा की रफ्तार होती है पेड़ गिर जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाती है, उसके अलावा जो बिजली के खंभे हैं वो गिर जाते हैं, कम्युनिकेशन पूरी तरीके से लैप्स हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं ना हो ये भी पूरी तैयारी की गई है, लेकिन ये तस्वीरें भयावह है, ये तस्वीरें बड़े खतरे की ओर इशारा जरूर कर रही है। इसी को लेकर के लगातार एडवाइजरी जारी की गई है। 24 घंटे जो कंट्रोल रूम है वो लगातार काम कर रहा है। आप वो तस्वीर देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी द्वारका आए हैं, गोमती घाट में रहते हैं, यहाँ पर सुखद एहसास होता है यहाँ पर खड़े होना। लेकिन ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि जैसे ये लहरें सब कुछ लेने पर आमादा है। और यहाँ पर ये इसी को लेकर के द्वारका वो जिला है जो प्रभावित हो सकता है, यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दूसरा जिला कच्छ है, वहां पर भी रेड अलर्ट है। नुकसान ज्यादा पोरबंदर में हो सकता है, जूनागढ़ में हो सकता है और मोरबी। बहुत बुरी स्थिति यहाँ मांडवी बीच पर इस वक्त है क्योंकि हम जहाँ मौजूद है लगातार यहाँ तेज बारिश और हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। और जो मेरे पीछे में कैमरा के पीछे अगर लहरें दिखाने की कोशिश करूं तो बहुत ज़्यादा लहरें हैं, लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी है कि बारिश है, बारिश के साथ साथ हवा भी चल रही है, बहुत तेज़ तूफानी हवाएं हैं। अब आप ये जो सीधी हवा है ये इसका डायरेक्शन, इसने थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया है और यहाँ मुश्किल बहुत है यहाँ पर खड़े होना क्योंकि हवा आ रही है और हवा के साथ बारिश आ रही है। जिस डायरेक्शन में अभी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस डायरेक्शन में खड़े रहना मुश्किल है यहाँ। अभी अगर मैं दिखाऊं मेरे आसपास आप देखेंगे पूरा जो बीच का ये इलाका है मांडवी बीच ये पूरी तरह से खाली है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो मौसम था वो साफ था लेकिन अभी बारिश शुरू हुई है और हवाएं जो है वो बदस्तूर तेज चल रही हैं। देखिए मांडवी हमें समझना होगा, मांडवी के आसपास 20 ऐसे गांव हैं जिसे एनडीआरएफ ने पूरी तरह से खाली कराया है और मांडवी शहरी इलाका है। और जो चक्रवाती तूफान आ रहा है जो बिपोर जॉय है वो उसका जो दायरा है वो मांडवी से जखाऊ और उससे थोड़ा आगे तक है। तो यकीन मानिए कि जब ये हिट करेगा इस इलाके में, इस तटीय इलाके में, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हालात होने वाले। अभी जब इसको आने में वक्त है, हिट करने में वक्त है, यहाँ खड़े हो पाना मुश्किल है, लेकिन जब कल ये आएगा तो आप मांडवी और उसके आसपास का स्थिति समझ सकते हैं। अभी हम जिन इलाकों में, तटीय इलाकों में घूम कर आए हैं वहाँ स्थिति ज्यादा खराब थी कि कई इलाके जो है वो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं लोग। ठीक है जावेद, हम आपके पास लौटेंगे। तो जैसी तस्वीर जावेद दिखा रहे हैं वैसा ही हाल इस वक्त द्वारका में भी है, खड़े होना मुश्किल है, हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है। कल जब ये तूफान टकराएगा तो जो लैंडफॉल होगा, लैंडफॉल यानी कि आसान भाषा में समझे कि जब गुजरात के तट से टकराएगा तो उस वक्त हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है, ये अनुमान जताया जा रहा है। ये तस्वीरें भयावह है, ये तस्वीरें बड़े खतरे का इशारा कर रही है, जैसा कि मौसम विभाग लगातार कह रहा है, जैसे कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्योंकि अतीत में अभी तक जितने भी तूफान आए हैं, लेकिन अभी अगर हम देखें तो 1998 के बाद ये एक बड़ा तूफान जिसे कि गंभीर श्रेणी में रखा गया है, खतरा लगातार बना हुआ है और तूफान बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ा है, ये चिंता की बात है। ऐसे में जो द्वारका के लोग हैं वो परेशानी में है और द्वारकाधीश मंदिर कहा यह जाता है कि
भगवान श्री कृष्ण को समर्पित ये नगरी। और जब भी ऐसी कोई आपदा आती है तो द्वारकाधीश लोगों को बचा लेते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसा ही लोग इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसी ही स्थिति रहे और उनकी रक्षा हो जाए। लेकिन जिस तरीके से लहरें हैं, जिस तरीके से हवा की रफ्तार है, जो मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है, तो ऐसे में सेना की पूरी तैयारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, कोस्ट गार्ड की हम बात करें, नेवी की हम बात करें, तो तमाम एजेंसीज इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो ऊर्जा विभाग के अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि जब भी ऐसा तूफान आता है तो फिर जो पावर सप्लाई है वो बाधित हो जाती है। चार अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं, चार तस्वीरें देखिए लहरों का।